जी अब ये देखिए COOH2Br, क्या नाम होगा इसका? पहली बात तो ये गिनती कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ से COOH करीब है, एक दो, टू ब्रोमो, इथेनॉल कैसे? ओके जी, अब देखिए C2H5COO, COO आते ही समझ लो ईस्टर ग्रुप है। अब जो COO के इस तरफ हो ये हमेशा इथाइल, और इस वाले में ओएट लगेगा, तो यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। अब देखो CH3 जब ब्रैकेट में हो और इसके बाहर 2 या 3 हो तो खेल बड़ा हेम हो जाता है। देखो COH यहाँ गया, अब एक CH3, एक CH3 और ये एक CH3, ये हो गई भाई आपकी सिचुएशन, ये हो गई ब्रांची, 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol। अब यहाँ देख लें कितने, यहाँ एक है यहाँ तीन है, कॉमन नेम है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, लेकिन IUPAC में हम किसको ओ के साथ में लाते हैं, कम वाले कार्बन को, कम एक होगा या तीन होगा, एक होगा, तो मिथाइल नहीं होगा बल्कि मेथॉक्सी हो जाएगा, और तीन है तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। मैम यहाँ देखें CHO CH2CH C2H5CH3, तो कितने यार, देखो पहले कार्बन 1 2 3, यूँ करो तो 4, लेकिन यूँ जाओ तो 5, तो 5 कहाँ होंगे चाहिए। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये एल्डिहाइड ग्रुप करीब है, याद रखो CHO देखते ही समझ जाना ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, 2 3 और ये 4 5 सब यहाँ आ गए। ब्रांच किस पे, 3 पे, 3-methyl pentanol, नाम क्या हो जाएगा इसका, 3-methyl pentanol। अब ये देखो CO इधर है, फिर C के साथ CH3 3 है, तो यार 3 लगा दो, ऐसे पहले तो इसको ओपन करना है, ठीक है जी, यहाँ CH है, CH3 एक तो इधर आ गया, एक इधर आ गया। देखो तो इसका मतलब क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे है भाई, लॉन्गेस्ट चेन में देखें 1 2 3 4 5 और 2 2 पे भी है मिथाइल और 4 पे भी है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3-pentanol, 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3-pentanol। बच्चों ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा।